नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। बाराबंकी जिले में कल वीआईपी द्वारा आएंगे विधानसभा चुनाव टिकट होने पर बाराबंकी जिले में अब बड़े नेताओं का मूवमेंट बढ़ता ही जा रहा है। कल 4 दिसंबर को बाराबंकी जिले के जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के सिद्धौर कस्बे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं। वह यहां पर एक चुनावी जनसभा करेंगे और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही भाजपा पदाधिकारियों की बैठक कर जिले की विधानसभा सीटों की जमीनी हकीकत को परखेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के कुछ महीने ही शेष रह गए हैं, तो भाजपा सहित अन्य पार्टियों के नेताओं ने अब यूपी के सभी जिलों का रुख करना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों यहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा और अब तक 2 बार AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी सहित कई नेता बाराबंकी आ चुके हैं। अब कल 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं। लेकर यहां बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कई दिनों से कार्यक्रम को सक्रिय बनाने में लगे हैं। वहीं पुलिस विभाग ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बाराबंकी जिले के सिद्धौर कस्बे में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के सामने रामलीला मैदान में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम रखा गया है। 1:05 पर केशव प्रसाद मौर्य यहां पहुंचेंगे और इस दौरान वे यहां 1 घंटे तक रहेंगे। इस दौरान वे यहां पर एक चुनावी जनसभा करेंगे और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बाराबंकी जिला प्रशासन ने भी तैयारियां कर ली हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष शशांक कुशवाहा सेठ ने कहा कि हिंदू हृदय सम्राट भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी सिद्धेश्वर महादेव की पावन धरती भारतीय जनता पार्टी बाराबंकी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके स्वागत में पलक पावड़ा बिछाए बैठा हुआ है और दिन रात हमारा कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है। कल माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ आएंगे और इस दौरान विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बाराबंकी से संवाददाता पीयूष कुमार। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी बाबा सिद्धेश्वर महादेव की पावन धरती सिद्धौर पे उनका आगमन है। भारतीय जनता पार्टी जनपद बाराबंकी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके स्वागत में पलक पावड़ा बिछा करके बैठा है। दिन रात हमारा कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है और कल माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बाराबंकी जनपद को उनके आगमन से बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। यहाँ पर कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, क्योंकि जानकारी मिल रही है 3 विधानसभा क्षेत्रों में शिलान्यास होगा, 3 विधानसभा क्षेत्रों को सौगात मिलेगी, तो किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा? ये कार्यक्रम जैतपुर विधानसभा, दरियाबाद विधानसभा और हैदरगढ़ विधानसभा को केंद्रित करके ये कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम है ये। लेकिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी बाबा सिद्धेश्वर धाम आ रहे हैं, तो सिद्धौर का कार्यकर्ता और अगल बगल के सारे कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित हैं।